नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BTSC स्टाफ नर्स ग्रेड ए के बारे में। दोस्तों BTSC स्टाफ नर्स ग्रेड ए के बारे में कुछ न्यू अपडेट आया हुआ है कल के न्यूज़पेपर में। दोस्तों ये BTSC स्टाफ नर्स ग्रेड ए के बारे में, उनकी काउंसलिंग कब तक होगी, कितने दिन के बाद उनकी रिजल्ट आउट होगा, तो दोस्तों इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा BTSC स्टाफ नर्स का और कब तक इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, मोटा काला हेडिंग में लिखा नियुक्ति में होगी 3 महीने की देरी। तो दोस्तों आपको देखते संवाददाता पटना लिखा हुआ है, राज्य में 9462 स्टाफ ग्रेड ए नर्स, 2200 विशेषज्ञ चिकित्सा, 4000 सामान्य चिकित्सक, 161 नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर और 6000 JEE की नियुक्ति होनी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा नर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों को बहाली के लिए काउंसलिंग संपन्न हो चुकी थी और सामान्य चिकित्सकों की शुरू होने वाली थी, तभी लॉकडाउन की घोषणा से इस पर रोक लगा दी गई। चिकित्सकों की बहाली के बाद नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए भी काउंसलिंग होनी थी, जो अपने आप रुक गई। तीन सप्ताह के लॉकडाउन के बाद फिर से अगले 2-3 सप्ताह के लिए बढ़ गया है। ऐसे में नर्स और विशेषज्ञ चिकित्सा जैसे पद जिनके लिए काउंसलिंग हो चुकी थी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में 3 महीने और लगेंगे। 30 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को एक साथ समाप्त नहीं करके बल्कि कई चरणों में समाप्त करने की बात की जा रही है। जब तक पूरी तरह लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता, काउंसलिंग को दोबारा चालू करना मुश्किल है, क्योंकि इस दौर बड़ी संख्या में लोग एक ही जगह जुटते हैं और सुरक्षित सामाजिक दूरी का पालन मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दोबारा काउंसलिंग शुरू होने में कम से कम 4 महीने और लगने की आशंका है। ऐसे में सामान्य चिकित्सक, नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर और JEE के पद जिनके लिए काउंसलिंग होनी बाकी है नियुक्ति, तो दोस्तों यही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 6 महीने और लगेंगे। यहाँ पे एक और हेडिंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन समाप्ति के बाद नर्स की नियुक्ति में लगेंगे 20 से 25, यानी कि लॉकडाउन जब समाप्त हो जाएगा तब नर्स की नियुक्ति जो की जाएगी उसमें भी 20 से 25 दिन लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 28 जनवरी 17 मार्च तक प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ ग्रेड ए नर्सों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग चली। इसमें 9462 पदों के लिए 19,000 नर्स ने आवेदन किया और उनमें से 12,000 ने काउंसलिंग में भाग लिया। चूँकि नर्सों की नियुक्ति काउंसलिंग में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी, लिहाजा उसकी गणना और उसके आधार पर अंकित अंतिम रिजल्ट तैयार करने में लॉकडाउन की समाप्ति के बाद भी 20 से 25 दिन लगेंगे। यानी कि आपकी नियुक्ति जो स्टाफ नर्स ग्रेड ए की नियुक्ति है उसमें भी 20 से 25 दिन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लगेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो रहा आपकी BTSC से स्टाफ नर्स ग्रेड ए से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और इस चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे की दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं ऐसे ही BTSC स्टाफ नर्स से मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों।